माँ शारदे के श्री चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, सादर वंदन। दो तीन मुक्तक और एक छोटी सी रचना गजल आप पूछ सकता हूँ कि जिंदगी जिंदगी जाने कैसे बोझ उठा रही है, जिंदगी जाने कैसे बोझ उठा रही है, तुमको तो साहब यूं ही हंसी आ रही है। जिंदगी जाने कैसे बोझ उठा रही है, तुमको तो साहब यूं ही हंसी आ रही है, और बेलिबास होती जा रही हैं टहनियां सारी। बेलिबास होती जा रही हैं टहनियां सारी, और धूप है कि अपना ही गीत गा रही है। जिंदगी जाने कैसे बोझ उठा रही है, तुमको तो साहब यूं ही हंसी आ रही है। बेलिबास होती जा रही हैं टहनियां सारी, और धूप है कि अपना ही गीत गा रही है। और देखें कि रंज ये भी मुझको कितना खल रहा है, रंज ये भी मुझको कितना खल रहा है कि आदमी भीड़ में अकेला चल रहा है। रंज ये भी मुझको कितना खल रहा है, आदमी भीड़ में अकेला चल रहा है, और शब्द दर शब्द मौन होता जा रहा हूँ। शब्द दर शब्द मौन होता जा रहा हूँ, एक युद्ध सा है जो हर रोज चल रहा है। रंज ये भी मुझको कितना चल रहा है कि आदमी भीड़ में अकेला चल रहा है। और एक मुख्य देखे कि चाहे मैं अंधेरे निकल रहा हूँ, चाहे मैं अंधेरे निकल रहा हूँ, दिया हूँ इसलिए भी खल रहा हूँ। चाहे मैं अंधेरे निकल रहा हूँ, दिया हूँ इसलिए भी खल रहा हूँ, और ये देखने भी भीड़ जुट गई यारो, ये देखने भी भीड़ जुट गई यारो, मैं उतंगों पर कैसे चल रहा हूँ। चाहे मैं अंधेरे निकल रहा हूँ, दिया हूँ इसलिए भी खल रहा हूँ। और चार लाइन देखा कि पुष्प दल बदलना शौक नहीं तितलियों की तरह, पुष्प दल बदलना शौक नहीं तितलियों की तरह, डराना भी नहीं सुहाता बिजलियों की तरह। पुष्प दल बदलना शौक नहीं तितलियों की तरह, और डराना भी नहीं सुहाता बिजलियों की तरह, आजमा के देख लेना हमें यूं भी साहिब, हर मौसम काम आएंगे छजलियों की तरह, हर मौसम काम आएंगे छजलियों की तरह। और एक है कि जब बारिश के मौसम निकल जाएंगे, जब बारिश के मौसम निकल जाएंगे तो दरियाओं के भी रुख बदल जाएंगे। जब बारिश के मौसम निकल जाएंगे तो दरियाओं के भी रुख बदल जाएंगे, और यदा कदा खोल कर पढ़ लिया करो हमको, हम कागज हैं मोहब्बत के एक रोज गल जाएंगे। मौसम निकल जाएंगे तो दरियाओं के रुख बदल जाएंगे। और कि बादल धूप छाव खेल रहे होंगे, चित्र आप सब हम सब छोटे बड़े गांव से ही इधर उधर जो भी यात्रा करते हैं, और बादलों की यात्रा देखा कि जब बादल धूप छाव खेल रहे होंगे, बच्चे एक पांव खेल रहे होंगे। बादल धूप छाव खेल रहे होंगे, बच्चे एक पांव खेल रहे होंगे, और शहर की बड़ी बड़ी कॉलोनियों में कई छोटे गांव खेल रहे होंगे। शहर की बड़ी बड़ी कॉलोनियों में कई छोटे गांव खेल रहे होंगे, बादल धूप छाव खेल रहे होंगे। और एक छोटे गांव खेल रहे होंगे, बहुत बढ़िया। आंधियों को शायद तभी होश आएगा जब उनके सर पर सारा दोष आएगा, आंधियों को तभी होश आएगा जब उनके सर पर सारा दोष आएगा, ये किसे मालूम था दौड़ कछुए से होगी, ये किसे मालूम था ये दौड़ कछुए से होगी, और बाजी हार कर खरगोश आएगा। आंधियों को शायद तभी होश आएगा जब उनके सर पर सारा दोष आएगा। गजल के चिट्ठियां सफर चली तो थी फिर कहाँ रह गई, चिट्ठियां सफर चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुवा रह गई। चिट्ठी आई मेरी चिट्ठी आई तू चिट्ठी वहां से आई, जुवा कैसे आई नानी कैसे आई मिली नहीं। चिट्ठियां सफर चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुवा रह गई। और एक शेर आता है कि बंटवारा हर घर में होता है, भाई भाई में होता है, तो दो बड़े शायरों की मतलब जो मुझे कुछ याद है उनमें से उन्होंने जो लिखा है, बात मैंने भी बंटवारे की है, लेकिन उनका भाव देखा और मेरा भाव देखा है कि आलोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि जब बाबूजी नहीं रहे घर की सब चीज़ें तकसीम हुई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई अम्मा, माँ शायर सबसे छोटा होता है हिस्से में अम्मा आ जाती है, जैसे वो कहते हैं। मुन्नप्पा राणा साहब कहते हैं कि किसी के हिस्से दुकान आई किसी के हिस्से मका, मैं घर में छोटा था तो मेरे हिस्से आई माँ, उनके हिस्से में माँ आ जाती है, वहाँ भी शायद छोटा होता है। शेर तो विवाद है, ये उनका भी है उनका ही है, नहीं दोनों दोनों का नहीं, दोनों का नहीं है, तरीका अलग अलग है। मुन्नप्पा राणा ने लिया है, निषिद्ध हो गया पहले तो आलोक श्रीवास्तव का ही है।
मुनव्वर राणा ने वहाँ से लिया। तो थोड़ा सा कंटेंट मतलब बात वही है, पर वो क्या है, मुनव्वर राणा बड़ा नाम है। हाँ, बस कोई इंग्लिश नहीं खाता, कुमार विश्वास भी कर रहा है आजकल तो। देखो वो करो, लेकिन है असल में उसका। और श्रीवास्तव जी का सबसे पहले गजल उन्हीं की आई थी, अम्मा पर उनकी प्रसिद्ध गजल है, हमारे बाबू जी की बहुत अच्छी गजल है। तो बस वो बंटवारे का सीन है, और मैं वहाँ दोनों साइड छोटे मानते हैं, मैं खुद बड़ा हूँ, मेरे घर में बंटवारा होता है। छोटा भाई क्या करता है कि देखे चिट्ठियाँ सफर चलित होती, फिर कहाँ रह गई, डाके से पूछते पूछते मेरी जुबा रह गई, और भाई छोटा था जिद बड़ी थी उसकी। भाई छोटा था पर जिद बड़ी थी उसकी, उसके इससे माँ मेरे इससे दुखा रह गई, उसके इससे माँ मेरे इससे दुखा रह गई, चिट्ठिया सफल चलित होती फिर कहाँ रह गई। और एक चित्र गांव का देखे कि तरक्की में ढह गए बरगद सारे गांव के, तरक्की में ढह गए बरगद सारे गांव के, फिर धूप में जलती हुई पगडंडियां रह गई, चिट्ठिया सफल चलित होती फिर कहाँ रह गई, तरक्की में ढह गए बरगद सारे गांव के, धूप में चलती हुई पगडंडियां रह गई, और बच्चे बड़े हुए तो कमाने शहर चले गए, बच्चे बड़े हुए तो कमाने शहर चले गए, फिर चूल्हों पर विरहन सी सिकती रोटियां रह गई, चिट्ठियां सफर चलित होती फिर कहाँ रह गई, डाके से पूछते पूछते मेरी सुबह।